स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के नैनीताल के लालकुआ में कर्मचारी हड़ताल पर। लालकुआ मोटा हल्दू में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कर रही सद्भाव इंजी लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी पिछले 5 महीनों से वेतन न मिलने के कारण धरने पर जा बैठे हैं। कर्मचारियों ने सद्भाव कंपनी उत्पीड़न का आरोप लगाया है। कर्मचारियों ने कहा है कि उन्हें पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिला है और अब कंपनी के उच्च अधिकारियों के द्वारा उन्हें धमकाया जा रहा है कि उनका ट्रांसफर किसी अन्य स्थान पर कर देंगे। वहीं कर्मचारियों ने कहा कि हम लोग अपने परिवार को छोड़कर दूर दराज से इस कंपनी में काम करने आए हैं और कई महीनों से वेतन न मिलने के चलते अपने घर वालों को क्या भेजें और कैसे झूठ बोलें समझ में नहीं आता। और जब से कंपनी अपने बैकफुट पर आई है तब से एनएच का काम भी बंद पड़ा है और जगह जगह से एनएच की स्थिति खराब हो गई है और अब कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। नैनीताल संवाददाता संजीव सिंह की रिपोर्ट। हम लोग हड़ताल पर इसलिए बैठे कि मान लीजिए जैसे तैसे चल रहा था, हम लोग को पेमेंट दे रहा था तब भी पे हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन अभी क्या हुआ कि हमारी जो सद्भाव कंपनी है वो दूसरे कंपनी को अभी हैंड ओवर कर दिया सारा सिस्टम पूरा सब कुछ बगैर स्टाफ को पैसे दिए हुए, इसलिए हम लोग हड़ताल पर बैठ गए और ऐसा करने पर मजबूर हो गए कि हम लोग को भी अभी APS आ गया यहाँ पे और ना कि हम लोग को बताया जा रहा है कि पैसा कौन देगा, ना तो कंपनी वाला बोल रहा है ना तो APS वाला बोल रहा है, ऐसा कोई भी अधिकारी नहीं बोल रहा है कि हम लोग का पेमेंट इधर दिया जाए। इसलिए हम आप लोग से अनुग्रह करते हैं कि जैसा भी हो यहाँ जिला अधिकारी जिसको भी थोड़ा सा आप हम लोग का उजागर करिए, बात की मदद दिलाए, हम मदद दिलाएं, हम लोग को पेमेंट कराएं, हम लोग घर जाएं, हम लोग बताएं यहाँ कहाँ से, कोई जरूरी नहीं है कि सब यूपी से हैं, सब कहाँ कहाँ से आके सब यहाँ काम कर रहे हैं। पक्के आप लोग कर्मचारी हैं? जी मेरा यहाँ पे है सीनियर सुपरवाइजर, सीनियर सुपरवाइजर है, ड्राइवर है। यही प्रॉब्लम है यहाँ पर कि इनको सर 5 महीने से कोई भी वेतन नहीं दिया गया है। दूसरा सर, ये जो परियोजना है रामपुर काठगोदाम NH-87 पैकेज दो अलग बना दिए हैं सद्भाव कंपनी ने, एक है सर ये रामपुर ज़िले में, एक है ये हमारा हल्द्वानी में। तो इसमें सर उस पैकेज की पैकेज वन बोलते हैं उसको रामपुर वाले को, तो उसमें सारे कर्मचारियों का पेमेंट कर दिया गया है और यहाँ पर जितने भी वर्कर हैं उनको 5 महीने से कोई भी वेतन नहीं दिया गया है। तो वह सर इसमें प्रशासन से और DM महोदय से सबसे मेरा यही गुजारिश है कि हमारी थोड़ी सी हेल्प करके हम लोगों को भी अपना वेतन दिलवा दिया जाए। हमें कंपनी से कोई भी शिकायत नहीं है, कोई भी कंपनी आए यहाँ पर काम करे अपना कुछ भी करे, हमको हमारा पेमेंट दे दिया जाए और हम सब लोग अपना यहाँ से घर चले जाएंगे। उसके बाद हम चाहे किसी कंपनी में काम करें या न करें, उससे हमें कोई सद्भाव से भी नहीं शिकायत है, ना ही कुछ है, बस हमें हमारा पेमेंट चाहिए, सारे स्टाफ का बस यही मानना है। करने वाले हैं मूल रूप से निवासी हैं वहाँ के और यहाँ हम 6 महीने से जॉब कर रहे हैं। जब से हम जॉब कर रहे हैं तब से हम लोगों को एक भी सैलरी नहीं मिलेगी और यहाँ पर कोई टॉप लेवल का अधिकारी भी नहीं जिससे कि हम लोग अपनी बात रख सकें। समस्याएं हम लोगों की बहुत हो रही हैं, घर पे भी अपनी समस्याएं हैं और इस कोरोना जैसी महामारी से भी पहले से हम लोग जूझ रहे हैं और इसमें 6 महीने से सैलरी भी नहीं मिली है जिसके चलते हमें काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं और कोई सुनने वाला नहीं। हम लोग सुबह से यहाँ बैठे हैं लेकिन अभी तक हमारी कंपनी का कोई सीनियर यहाँ नहीं आया। जो रामपुर में सीनियर हैं लेकिन वो लोग भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो लोग भी हम लोगों को इग्नोर क्लियर कर रहे हैं, इसलिए जिसके चलते हम लोग यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं और हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे, निरंतर प्रयास करते रहेंगे जब तक कि हम लोगों की सैलरी नहीं मिल जाती है। सैलरी बाकी है और छुट्टी बोनस 2 साल का बाकी है, वो दे दे अपना दूसरा कंपनी अपना काम कर सकता है। कितने महीने तनख्वाह नहीं मिली? 5 महीना का। कहाँ के रहने वाले? बिहार का। कितने बच्चे हैं? 3 लड़का है। कुछ वार्तालाप हुई उनसे? बच्चों ने पूछा होगा पापा सैलरी? वो तो खुद बोलता है कि पापा कमाने से क्या फायदा है आपको, जब सैलरी नहीं देता है तो वहाँ रहने से क्या फायदा है आपको। और 2 साल का हमको सर 2019 और 2020 का छुट्टी बोनस भी नहीं दिया है। हाँ, तो काम 24 घंटे भी लेता है और संडे को भी काम करवाते हैं। जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक हड़ताल रहेगा सर।